फोम डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के सर्विंग डीजी, जो भी डीजी सीआईएसएफ है, श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर किए। जिस समय ये ध्यान में आया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन ट्रांसफर्स में हो रहा है और कुछ दलाल ये सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर और गृह मंत्रालय के भी, गृह मंत्री के कार्यालय के भी और गृह मंत्री जी का नाम लेकर भी इस प्रकार से पैसे का लेन देन कर रहे हैं। उस समय की कमिश्नर इंटेलिजेंस श्रीमती रश्मि शुक्ला, इन्होंने ये बात डीजी साहब के ध्यान में लाकर दी। डीजी साहब ने बकायदा नियम के अनुसार इसमें एक रिपोर्ट तैयार करके उस समय के एसीएस होम, इनको इसकी जांच करने के और जांच करने के लिए कुछ लोगों के टेलीफोन्स सर्विलांस पर रखने की परमिशन मांगी। एसीएस होम ने कानूनन वो परमिशन दी और उस परमिशन के बाद इतने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन हुआ और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी, पैसे की हेराफेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी दलाली, इसके सारे एविडेंस, सबूत ये सामने आए। उन सबूतों के आधार पर सीओआई ने रिपोर्ट तैयार की, डीजी साहब ने उस रिपोर्ट को थ्रू एसीएस ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसका सीरियस कॉग्निजेंस लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कमिटी सेटअप करके और उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता थी। उसकी जगह मुख्यमंत्री जी ने वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी को शेयर की और उसके बाद कमिश्नर इंटेलिजेंस को अपने पद से हटाया गया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि डीजी के ऊपर, सुबोध जायसवाल जी के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि जिनके नाम उस पूरे दलाली के रैकेट में बार बार आते हैं, ऐसे कई अफसरों को उसी जगह पर जहां दलालों के इंटरसेप्शन में उनको देने की बात कही गई है, वहीं पर उनको पोस्टिंग देने की बात कही गई। और जिसको डीजी सुबोध जायसवाल जी ने विरोध किया और जब ये बातें नहीं मानी जा रही है और उनको वहीं पर पोस्टिंग दिया जा रहा है, ये ध्यान में आया तो सुबोध जायसवाल जी सेंट्रल डेपुटेशन पर सीआईएसएफ में चले गए। अभी तो सीओआई भी उस समय की सेंट्रल डेपुटेशन में चली गई है, लेकिन उस समय अगर ये रिश्वतखोरी, दलाली अगर रोकी जाती और कार्रवाई होती तो आज की यह परिस्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। और वो रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास मौजूद है, सरकार मुझे पता है उसको बाहर नहीं निकालेगी, लेकिन मैं दावे के साथ और पुख्ता जानकारी के साथ कह सकता हूं कि सरकार के पास इनवर्ड वो रिपोर्ट हुई है।